जलीय पौधे न केवल एक निसर वातावरण का उत्थान करते हैं बल्कि उसमें रंग और सुंदरता भी जोड़ते हैं। हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र में जलीय पौधे और कमल की कुछ प्रजातियां लगाई गई हैं। जलीय पौधों को आप निहारने का शौक रखते हैं तो आज हम आपके लिए काम की खबर लेकर आए हैं। रामपुर रोड पर सुसला तिवाड़ी अस्पताल के पास स्थित वन अनुसंधान केंद्र में आपको वाटर लिली और कमल की फूल की कुछ प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। वन अनुसंधान केंद्र में एक्वेटिक जोन बनाया गया है जिसमें आजकल 20 तरह की वाटर लिली और कमल की कुछ प्रजातियां खिली हुई हैं। इसमें कमल की करीब 5 से 6 प्रजातियां हैं जो मनमोहक तो है ही, साथ ही यह उन छात्र छात्राओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो एक्वेटिक प्लांट यानी जलीय पौधे पर शोध कर रहे हैं। वन क्षेत्र अधिकारी मदन सिंह बिष्ट ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि यह केंद्र लगातार पौधों को संरक्षित करने का काम करता आ रहा है। इस बार वन अनुसंधान केंद्र ने जलीय पौधों को संरक्षित करने का काम किया है और वन अनुसंधान केंद्र में एक्वेटिक प्लांट तैयार किया है जिसमें जलीय पौधे और कमल की प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। आजकल लोग घरों में भी जलीय पौधे लगाना पसंद कर रहे हैं तो वहीं वन अनुसंधान केंद्र उनकी पूरी मदद कर रहा है। जो भी यहां आकर जानकारी लेता है उनको घरों में यह प्लांट कैसे लगाना है उसके बारे में बताया जाता है। इसको घरों में लगाकर आपकी घरों की खूबसूरती बढ़ जाती है। इसके लिए भी वन अनुसंधान केंद्र के वन क्षेत्र अधिकारी मदन सिंह बिष्ट पूरी जानकारी देते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमने मदन सिंह बिष्ट वन क्षेत्र अधिकारी से बातचीत की। उन्होंने ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया आप भी सुनिए। वन अनुसंधान केंद्र में हमने जो एक्वेटिक प्लांट्स यानी जलीय पौधे कंजर्वेशन सेंटर हमने एक बनाया है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग जलीय पौधों के परिप्रेक्ष्य में कमल ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास करीब 20-22 वैराइटीज़ है। उसमें मुख्य रूप से कमल है जिसको लोटस बोला गया है, कुमुदनी है जिसको वाटर लिलीज बोलते हैं, उसके अलावा वाटर मोजिक है हमारे पास, वाटर बैम्बो है, उसके पास हमारे पास वाटर लेट्यूस है, मोजिक प्लांट है। तो इस तरह से पूरा करीब 20-22 प्रजातियों का कलेक्शन हमारे पास है और इस सेंटर को देखने के लिए हम स्कूली छात्रों के लिए या दूसरे विजिटर्स के लिए भी हम इसको अलाउ करते हैं ताकि इन पौधों के प्रति लोगों का प्रेम बना रहे। देखिए, हमारे वन अनुसंधान केंद्र में जो अभी तक जो आगंतु हैं ये काफ़ी मात्रा में आम नागरिक भी यहाँ पर आ रहे हैं, बाकी स्कूली छात्र यहाँ पर आते हैं, जो ट्रेनिंग वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो सभी तरह के लोगों के लिए हमने इसको ओपन किया हुआ है। एक जनरली हमने एक इसका चार्ज लगाया हुआ है यहाँ पर, तो उसको अदा करके कोई भी यहाँ पर इस वाटिका को देख सकता है, इस जलीय पौधों को संरक्षण करने को इनकी इनको यहाँ पर अवलोकन कर सकता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लोकल 18 के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।